आधार कार्ड ने वैसे तो इस फैसिलिटी को काफ़ी समय से चालू कर रखा है, लेकिन आज भी कहीं लोगों के पास में प्लास्टिक वाला आधार कार्ड नहीं है। आज मैं आपको प्लास्टिक वाला आधार कार्ड ऑर्डर करने का एक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसे आप अपना आधार कार्ड या किसी भी फैमिली मेंबर का आधार कार्ड अपने घर के पते पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवा सकते हैं, जो एक सिक्योर QR कोड वाला एल्गोरिथम आधार कार्ड होता है। आप भी अपना आधार कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो चलते हैं साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में गूगल को ओपन करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे uid.government.in। इतना लिखने के बाद में हम सर्च करेंगे। सर्च करते हमारे सामने इसकी ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इस साइट पर भी आ सकते हैं। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गेट आधार वाले ऑप्शन में हमें नीचे में ऑर्डर आधार PVC कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पॉपअप को ओके करेंगे तो आप आधार कार्ड की न्यू वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं माई आधार वाली ये न्यू वेबसाइट है जो हाल में ही लॉन्च की गई थी साथियों। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें लॉगिन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इसमें एंटर करना है। उसके बाद में नीचे आपको एक कैप्चा कोड दे रखा है, जैसा लिख रहा है सेम टू सेम कैप्चा इसमें फिल करना है। करने के बाद में सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हैं तब भी आप अपना प्लास्टिक वाला आधार कार्ड मंगवा सकते हैं, वो प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊँगा उसके लिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पर हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, फिर इसमें अपने OTP दर्ज करेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में एक प्रोफाइल का लोगो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अपना आधार कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। आप फ्लिप आधार कार्ड पर क्लिक करके इसकी बैक साइड भी देख सकते हैं। इस पोर्टल से आप आधार कार्ड की बहुत सारी सर्विसेज का ऑनलाइन घर बैठे यूज कर सकते हैं, उसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है। लेकिन आज हमें PVC आधार कार्ड ऑर्डर करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने प्रीव्यू और पेमेंट का दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा पेमेंट करना होता है जो 50 रुपये का होता है। आप 50 रुपये का पेमेंट करके अपना आधार कार्ड बाय पोस्ट मंगवा सकते हैं। तो हम यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 50 रुपये का पे करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका आधार कार्ड बाई पोस्ट आपके घर पहुँच जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक टर्म्स कंडीशन देखने को मिलेगी, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में मेक पेमेंट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने यहाँ पर पेमेंट मेथड के कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप अपना पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं देख सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, वैलेट से, पेटीएम से, नेट बैंकिंग से, UPI से, जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सुविधाएं अवेलेबल है। तो हमारे पास में डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड की डिटेल भरेंगे, जैसे कि कार्ड पर लिखे हुए नंबर, उसके बाद में CV कोड जो कार्ड के पीछे लिखे होते हैं 3 डिजिट के, उसके बाद में एक्सपायर डेट, फिर यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम, फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करें, फिर कम्प्लीट पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। आप चाहे तो आपने क्या हुआ पेमेंट की स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे चलेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके मोबाइल में ये डाउनलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इस स्लिप में आपको SRN नंबर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपका आधार कार्ड बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा, जो बहुत ही कम समय में आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है और आप भी अपना प्लास्टिक वाला आधार कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगवा सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है। हम वापस इसी साइट के होम पेज पर आएंगे और यहां पर ऑर्डर आधार PVC कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आधार नंबर और इनरोलमेंट नंबर। अगर आपके पास में आधार नंबर है तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर इसमें अपने आधार नंबर टाइप करें, उसके बाद में कैप्चा जैसा लिख रहा है सेम टू सेम कैप्चा इसमें फिल करें। फिर यहाँ पर माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर चालू है वो एक मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करें। टाइप करने के बाद में सेंड OTP वाले ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करें। OTP फिल करने के बाद में आपको सेम प्रोसेस है जो हमने आपको अभी आगे बताया था, सेम वही प्रोसेस है। आपको उसी तरीके से पे करना है। पे करने के बाद में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को आपके पास में जरूर रखें।
पेमेंट होने के बाद में गवर्नमेंट की यूआईडी वेबसाइट से आपके आधार कार्ड के पते पर आपका प्लास्टिक वाला आधार कार्ड स्पीड पोस्ट के द्वारा बहुत ही जल्दी आपके घर पहुंचा दिया जाता है और यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपना ओरिजिनल प्लास्टिक वाला आधार कार्ड मंगवा सकते हैं। आई होप आज के वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके दिमाग में फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में लगी बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आपको आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।